बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट में हम शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान के बारे में। चलिए आपको बता दें, सुहाना खान को लेकर हाल ही में ये तस्वीरें काफी वायरल हुई हैं। ये तमाम रिसेंट तस्वीरें हैं न्यूयॉर्क जहां पर सुहाना अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर रही हैं। हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के एक स्कूल में एडमिशन लिया है। आपको बताना चाहेंगे, सुहाना खान वहां पर कुछ नए दोस्तों से मिलकर नई फ्रेंडशिप को एंजॉय कर रही हैं। नए ग्रुप के साथ सुहाना काफी खुश हैं। नए लोगों से मिलना सुहाना को काफी ज्यादा पसंद है। खैर, न्यूयॉर्क की सड़कों पर सुहाना खान को कुछ ऐसे रूप में देखकर आप यकीनन चौंक तो जाएंगे कि सुहाना आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। तो आपको इस सवाल का जवाब देते, दरअसल सुहाना खान जो है पूरी तरह से चिलिंग मूड में है, जहां पर स्टारडम की वजह से उन्हें मीडिया के कैमरों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जहां मुंबई में उनके आते ही मीडिया की कैमरे के पहरे से वो नहीं बच पाती हैं और बार बार इसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल होती है, तो वहीं आज़ादी जिंदगी, जी हां आज़ाद की जिंदगी और मीडिया के स्टारडम से दूर, पिता के स्टारडम से दूर सुहाना को वहां पर खुलकर सड़कों पर इस तरह से हंसते खिलखिलाते देखा गया है, जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी समय से तरस रहे थे। बता दें, अपने पिता शाहरुख खान की लाडली हैं सुहाना, जो कि अपने पिता से अलग रह रही हैं। पिता और माँ से अलग रहने को लेकर सुहाना काफ़ी ज़्यादा दुखी तो हुई, लेकिन एजुकेशन और प्रोफेशन को लेकर अपने करियर की शुरुआत करने के लिए शॉर्ट फिल्म के जरिए फिल्मों में आने की तैयारी कर रही सुहाना खान को अपने मम्मी पापा से दूर रहने की मजबूरी को सहना पड़ा है, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में इस तरह नाम कमाना है जिसकी वजह से कभी भी उन्हें शाहरुख की बेटी ना कहा जाए बल्कि शाहरुख को उनके पिता कहा जाए। ये खुद सपना है सुहाना के, जिसे उन्होंने खुद ही बयां किए थे और उन्होंने वॉग मैगजीन की कवर फोटो शूट से जुड़े हुए एक इंटरव्यू में इस बारे में खुद ही खुलासा किया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति ग्रुप।